जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी और की वीडियो को अपने चैनल पर कैसे उपयोग कर सकते हैं। मतलब आप छोटा सा भी पार्ट अगर इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे का, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि उस पर कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे क्या है कि आप किसी का भी वीडियो इस्तेमाल करेंगे, छोटा सा पार्ट इस्तेमाल करेंगे, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे पाए या फिर कॉपीराइट क्लेम ना दे पाए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताते हैं। तो दोस्तों मैं यूट्यूब खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोई सा भी चीज यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सर्च कर लेता हूँ, होम क्लीनिंग सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि इनकी वीडियो का मैं थोड़ा सा पार्ट इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। दोस्तों इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, इसका क्वालिटी पहले आपको बढ़ा लेना है। जैसे 144 पी पे है तो उसको 720 पे कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद का प्रोसेस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसके बाद का एक और प्रोसेस है जो आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों आपको करना क्या होगा कि अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आ जाना है। जैसे कि दोस्तों अब मेरे पास एक्स रिकॉर्डर है, तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आप जो 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 कोई भी आप चाहते हो, जो कोई भी वीडियो आप चाहते हो कि आप उसको अपने चैनल पे एडिटिंग करके डाल सको, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देना है। इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, दोस्तों देखिए रिकॉर्डिंग चल रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पे दिखा रही हैं आप इसका रिकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, इसके ऊपर से आप वॉइस ओवर करना चाहते हो, देखिए दोस्तों मैं खुद इसको क्रॉस करके आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से यूज कर रहा हूँ, और मुझे कोई कॉपीराइट नहीं आ रहा है। दोस्तों ये देख लीजिए किस तरीके से, मान लीजिए ये मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद सिंपली आपको ये रिकॉर्ड कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहला बात आपको ध्यान देना होगा कि इसका जो वॉइस है, कोशिश करिए कि दोस्तों इसका वॉइस आप म्यूट ही रखिए। कोशिश करिए कि आप अपना खुद का वॉइस डालिए। ठीक है, कहीं पर भी आप एडिटिंग करके डाल रहे हैं तो कोशिश करिए अपना वॉइस डालें। आपको वीडियो मिल ही जा रहा है दोस्तों, आप अपना खुद का वॉइस डालें। और इसको क्या करना है दोस्तों, आपको काइन मास्टर में आ जाना है, और वहाँ पे दोस्तों आप जितना भी वीडियो करके इस तरीके से दोस्तों आप एडिटिंग करके आप वहाँ से ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मैंने यूज़ किया है और मुझे कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं या फिर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया है, और जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा भविष्य में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों मोनेटाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप कोशिश करिए कि अपना फेस कैम दिखाइए। ठीक है, फेस कैम कीजिए और कोशिश करिए वॉइस ओवर करके चीज़ें करिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।